जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। आवाज क्लियर है तो? एम आई ऑडिबल? हाँ जी, हाँ जी आंटी, आप हाँ ऑडिबल है। जी ओके। सॉरी आंटी टू बार्जिंग, बट आई डोंट नो मुझे कहाँ से थॉट आया कि यू नो आई शुड शेयर द शुक्राना सत्संग, बिकॉज गुरु जी का कोई सत्संग छोटा बड़ा नहीं होता, सब बड़े होते हैं, क्योंकि हमारे गुरु जी खुद इतने, वो कोई छोटी चीज नहीं है, वो खुद अपने आप में इतनी महान चीज है, पूरी दुनिया की मालिक है। और इतना अच्छा सत्संग हाँ आंटी आपने शेयर किया, और बहुत सारे मैसेजेस दिए हैं आपने, शुक्राना मालिक हर पल हम सबको अपनी शरण में रखने का। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग करती हूँ अपने बेटे से रिलेटेड, जो मेरे साथ जस्ट लास्ट वीक ही हुआ। लास्ट वीक मेरा बेटा बीमार था, ही वाज सिक ऑन थर्सडे, सो उसको फीवर शुरू हुआ, तो आई थॉट चलो मौसम चेंज हो गया कुछ, तो मैंने उसको मेडिसिन दी। रात को वो ठीक हो गया, फीवर उतर गया, सुबह उठे ठीक था। सो आई टुक ऑफ बिकॉज आई हैड इन माइंड कि यू नो ही इज नॉट फिट टू गो टू स्कूल, सो ही माइट नॉट बी वेल, बिकॉज वायरल टेक्स टाइम। सो आई टुक ऑफ, आई लेट माई मैनेजमेंट नो ऑलरेडी, एंड देन नेक्स्ट डे मॉर्निंग ही वॉज फाइन, बट देन वेन ही आई गिव समथिंग टू ईट, जैसे कुछ खाने को दो ना, ही वॉज नॉट फीलिंग कम्फर्टेबल। जैसे रात को भी उसको ऐसे हुआ था कि ही वॉज फीलिंग हाइड्रेटेड, में भी तो बहुत पानी पी गया, तो उसको वॉमिट हो रहा था जैसे, तो लगा चलो कुछ नहीं। फिर डॉक्टर के पास गए कि चलो दिखा के लाते हैं, इट मे बी टमी बग इन्फेक्शन कुछ हो गया होगा, तभी फिर बुखार हो गया, वायरल इन्फेक्शन। और संगत जी ये उसके साथ पहली बार नहीं हुआ, ये लास्ट ईयर भी हुआ था, उससे पहले 6-6 महीने में इसको हो चुका था, 2.5-3 साल में ये पांचवा छठा इंसिडेंट था। सो वी गॉट स्केयर्ड। अब टमी पेन वो जो बोलता है ना, वो ये राइट साइड की तरफ इंडिकेट करता है, एंड राइट साइड हर बार डॉक्टर क्या कहता है, अपेंडिसाइट। लास्ट ईयर भी हैड हिज एक्सरेज डन, बट कुछ नहीं निकला था गुरु जी की कृपा से। तब भी गुरु जी ने लास्ट ईयर भी बहुत स्वीप आउट किया था मुझे, वो मैं नेक्स्ट टाइम शेयर करूंगी, अभी ज्यादा टाइम ना लेते हुए ये वाला इसी वीक का करती हूँ। तो हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने स्ट्रेट अवे, बिकॉज वी गो टू 1 GP ओनली है, तो वो पहचान गया कि ये तो पहले भी आया है, तो आप एक काम करो स्ट्रेट अवे इमरजेंसी भागो चिल्ड्रंस के, हम यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि इट कुड बी अपेंडिसाइट, इट कैन बर्स्ट, तो क्विकली रन आउट। तो मैंने कहा यार अपेंडिसाइट का पेन इतना सिवियर होता है डॉक्टर, ये कैसे सर्वाइव करेगा, बिकॉज मेरा खुद हो चुका है, सो आई अंडरस्टैंड द इंटेंसिटी ऑफ द पेन। तो कह रहे नहीं आप डॉक्टर हो या मैं डॉक्टर हूँ, मैं कह रहा हूँ ना कई बार सप्रेस हो जाता है, यू स्ट्रेट अवे गो। ठीक है जी चले गए, डर तो लग ही गया था एज अ मदर, क्योंकि छोटा ही बच्चा है, 10 ईयर्स का ही है, बट ठीक है चलो गए। मैंने कहा कि आप हॉस्पिटल चले जाओ, हॉस्पिटल पहुंचे, उन्होंने इमरजेंसी में एडमिट किया और उन्होंने चेक करा, सो दे से नहीं कुछ तो है, सो वी विल कॉल सर्जन एंड विल डू सम टेस्ट बाय देन, अगर सर्जन को भी लगता है कुछ है, रिपोर्ट में आता है, तो हम इसकी रातों रात सर्जरी करेंगे। एंड आई वॉज जैप्ड आउट, ओके ठीक है गुरु जी। इट टुक टाइम बट देन ठीक है, मालिक पे डोर छोड़ दी थी, पूरी छोड़ दी थी, मुझे नहीं पता संगत जी मुझे इस बार कहाँ से भरोसा, कहाँ से मेरा विश्वास इतना स्ट्रांग था, मैं इतनी स्ट्रांग थी, शायद ये जो गुरु जी ने पिछले 6-8 महीने साल से जो कोविड के टाइम पे जूम के थ्रू अपने आप से जोड़ा, इतने सत्संग इतने मैसेजेस हर दिन आते हैं, तो गुरु जी ने शायद इन सब से इतना स्पिरिचुअली अपने आप से और इतना कनेक्ट कर दिया कि डर था ही नहीं संकट जी, बस ये था कि गुरु जी आप जो करोगे अच्छा करोगे, अगर आपको लगता है ना कि सर्जरी भी होनी है एक बार को तो कोई बात नहीं, ये वन टाइम पेन ले लेगा, इट्स ओके, हर बार आती है इसको दर्द, तो इससे अच्छा चलो आपको जो ठीक लगे आप करो, आप परमपिता परमेश्वर हो, आप ही उसके पापा हो, आई एम तो जस्ट टेक केयर, मैं कौन हूँ, मैं कोई भी नहीं हूँ मालिक। तो गुरु जी ने बहुत बहुत कल्याण किया, 6 घंटे बिठा के उसको पानी भी नहीं पीने दिया, इतना तरस आ रहा था कि मेरा बच्चा मेरे साथ है, मैं उसको पानी भी नहीं दे सकती, क्योंकि डॉक्टर्स को था कि वाटर तो गैप आ जाएगा और सर्जरी नहीं हो पाएगी। सर्जन आए शाम को चेक किया, कह रहे नहीं कुछ तो है, देन दे चेक फॉर द सिम्टम्स। तो इसी बीच मेरी एक संगत से बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि ना यहाँ पे लोग गैस्ट्रो नहीं समझते, उनके उनको बोलना विंड पेन है या गैस्ट्रो पेन है, सो दे माइट अंडरस्टैंड, क्योंकि ना मुझे भी सिमिलर पेन होता है। एंड ओके जय गुरु जी। तो मैंने डॉक्टर को सेम चीज बोली, डॉक्टर कह रहे हैं हाँ कुड बी बट टेंडरनेस बहुत और राइट साइड पे है, और ये पहली बार नहीं है, तो ये बहुत सारी चीजें हमें डर लग रहा है अपेंडिसाइट होगा, तो हम इसका ना और टेस्ट करते हैं, अल्ट्रासाउंड भी करने। ठीक है जी करिए, उन्होंने अल्ट्रासाउंड करा, नेक्स्ट डे मॉर्निंग आए, डॉक्टर चेक किया, कह रहे हैं हाँ है टेंडरनेस। 11 बजे उन्होंने मुझे बोला अल्ट्रासाउंड होगा, और 3:30 बजे अल्ट्रासाउंड हुआ, क्योंकि सैटरडे था तो देवर लाइक यू नो यहाँ पे सीरियस नहीं लिया जाता चीजों को, इतना इंडिया में होता तो रातों रात सब हो जाता है, सो वी हैड टू वेट, व्हाट कैन वी डू। तो लग रहा था गुरुजी इतनी पेशेंस इतना बर्दाश्त, तो फिर यही लग रहा था गुरुजी कोई नहीं आप सब्र करा के भी कोई कष्ट काट रहे हो, मालिक आप पे पूरा विश्वास है, पूरी डोर आपके हाथ है। उसी बीच गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स भेजी संगत के थ्रू, सिडनी मंदिर से प्रसाद आया, तो प्रसाद आया एक ब्रेसलेट आया, एक छोटा स्वरूप आया गुरु जी का कि मैं बच्चे के पिलो के नीचे रखो,
मैंने कहा आंटी घर पे तो बहुत पड़े हैं बट मैं कर ला नहीं सकती, हस्बैंड कनेक्टेड नहीं है, उन्हें बोलूंगी तो ये ना अभी कुछ हो तो. आप कहती नहीं बेटा कोई नहीं, मैं भेज दूंगी. मैंने बच्चे के पिलो के नीचे रखा, ब्रेसलेट उसे पहनाया, लंगर प्रसाद मैंने बैठ के खाया कि गुरुजी वो नहीं खा सकता. और आप कहते हो ना घर का एक सदस्य आता है, तो मैं ये प्रसाद ये सोच के खा रही हूँ कि मेरा बच्चा मेरा परिवार खा रहा है. मैंने उसको एक बाइट दिया बट वो इतना उसकी तबीयत खराब थी कि वो एक बाइट के बाद भी ना बार बार उसको लूज मोशंस हो रहे थे और वो वॉमिट भी कर रहा था बहुत ज्यादा. तो जब डॉक्टर्स ने रात को उसको चेक करके भेज के वो चले गए, तो उन्होंने कहा कि अब ये कुछ भी खा सकता है बट आफ्टर 2 कुछ मत खिलाना और आफ्टर 6 इन द मॉर्निंग मत पिलाना, ये सुबह चेक करेंगे. और सुबह लगा एक्सरे में आया, अल्ट्रासाउंड में सॉरी, तो आई हम एक्सरे करेंगे. ठीक है, जब गुरुजी ने रात दी तो लगा चलो गुरुजी यू आर आप होल्डिंग, यू आर होल्डिंग मी, यू आर होल्डिंग मी. फिर मंदिर से प्रसाद आया तो संगत जी मेरे को ना सुबह से चाय की बहुत तलब थी क्योंकि मैं पूरे दिन से टायर्ड थी, बिल्कुल कुछ नहीं खाया हुआ था. तो गुरुजी ने मन में आया कि लंगर लंगर प्रसाद तो आ रहा, आंटी ने बोला चाय भी बोल दो. मैंने कहा नहीं साक्षी डोंट बी सो ग्रीडी, गुरु जी आप ही करेंगे. तो यहाँ गुरु जी मैंने चाय पीन भी बोल तलब हो रही है, मैंने नहीं पता तुम की करोगे, प्लीज देख लो. एंड श्योर इनफ वो संगत जी आए, उन्होंने प्रसाद दिया. सबसे पहले उन्हें मेरे हाथ में चाय प्रसाद दिया. तो गुरु जी आप इतना भी सुन रहे हो, अगर आप मेरी चाय की डिमांड मेरे मन की आवाज सुन रहे हो तो मतलब मेरा बच्चा भी तो मेरा थोड़ी ना, वो तो आपका है. सो इट वॉज अगेन अ फेथ बिल्डिंग थिंग कि गुरुजी नहीं आप हो. उसी बीच एक संगत का मुझे मैसेज आता है कि एक आंटी थी उनकी भी बेटी की सर्जरी की रिपोर्ट आनी थी. मेरे को सीधा मैसेज आया आंटी का कि उन आंटी जी की बेटी की सर्जरी नहीं हो रही, गुरुजी ने टाल दी. दिस वॉज एन अगेन थिंग, ओके गुरुजी यू आर देयर, यू आर देयर. पूरी रात निकली अंडर ऑब्जर्वेशन गया बच्चा, सुबह डॉक्टर्स ने चेक किया, अल्ट्रासाउंड हुआ, अल्ट्रासाउंड में गुरु जी की कृपा से कुछ भी नहीं निकला. जब उसका अंदर अल्ट्रासाउंड हो रहा था गुरु जी मुझसे बाहर शुक्राना करा रहे थे सच्चा. तो कि यही था कि गुरु जी आप ही आसरा हो, आपके ऊपर सब है, सरेंडर है, टोटल सरेंडर है, वर्ड ही नहीं है इसके आगे क्योंकि मेरी औकात ही नहीं है मालिक, कोई औकात. जब मेरा बच्चा मुझसे 1 इंच बैठा है मालिक, मैं उसे पानी नहीं पिला सकती तो मैं किस काम की माँ हूँ. मैं तो हुई, इवन आई टोल्ड माई सन की बच्चे तू ये देख मम्मा साथ बैठी है, कैन आई गिव यू वाटर, कैन डैडी कम इन. इवन मेरे पति अंदर नहीं आ पाए क्योंकि यहाँ पे कोरोना की वजह से रिस्ट्रिक्शन इतनी थी कि एक ही पेरेंट रह सकता था. मेरा हस्बैंड 2 दिन 3 दिन घर थे और मैं अकेले यहाँ थी. तो एक बाप अंदर नहीं आ पा रहा, माँ साथ रह के कुछ नहीं कर पा रही, तो क्या है? कुछ नहीं है, हम लोग किसी काम के नहीं. हम कहते हैं हम दुनिया उखाड़ लेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते संगत जी, हम कोई खाती नहीं, गुरु जी के सिवा कोई रिश्ता काम नहीं आता. उस बच्चे ने गुरु जी से अरदास करी, गुरु जी तू बेटे स्मार्ट, तू गुरु जी को बोल कि गुरु जी प्लीज हेल्प मी, ये मत मांग कुछ भी मत मांग बट ये बोलो कि प्लीज हेल्प मी क्योर मी. उसने क्या बोला, उसने क्या बोला नहीं बोला गुरु जी जाने और वो जाने, बट चीजें बहुत इंप्रूव हुई. सुबह अल्ट्रासाउंड में कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं, अपेंडिसाइट वॉज टोटली रूल्ड आउट. इवन उसका लिवर किडनी सब चेक किया गुरु जी की कृपा से, कुछ नहीं आया. यूरिन टेस्ट गुड, ब्लड टेस्ट में एक रिपोर्ट में इन्फ्लेमेशन हाई था, तो उन्हें डाउट था अभी भी कुछ है. उन्होंने फिर भी हमें डिस्चार्ज नहीं किया, कह रहे हम एक रात और देखेंगे, अगर सुबह फर्क लगा तो छुट्टी कर देंगे. तो ये फ्राइडे नाइट हम बाहर है, सैटरडे इवनिंग में जब वो चेक करने आए तो कह रहे नहीं ही इज बेटर. चलो थैंक गॉड, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी. तो रात को जब सत्संग लॉग इन किया, जूम सत्संग वन ऑफ द, और ए उस प्लेटफॉर्म पे वही आंटी सत्संग शेयरिंग को आई थी जिनकी डॉटर की सर्जरी गुरुजी ने टाली थी. संगत जी मैं बता नहीं सकती, मेरे पास उस टाइम वर्ड्स नहीं थे, मेरी बस आंखें ही बोल रही थी जो बोल रही थी कि गुरु जी सच्ची मतलब आप इतना मुझे थाम थाम के चल रहे हो, मतलब मेरी मैं तो इतना भी नहीं कुछ करती आपके लिए गुरु जी, कितना बस एक वर्ड नहीं थे संगत जी. शुक्राना मालिक, बहुत बहुत शुक्राना. सैटरडे नाइट भी निकाली गुरु जी ने, दोनों तीनों दिन सत्संग जूम बैक टू बैक चला. गुरु जी ने बहुत पॉजिटिविटी ब्लेसिंग दी, संगत परिवार ने अरदास करी, संगत परिवार का इतना सपोर्ट था, हर कोई मैसेज कर रहा है, फोन कर रहा है, सब ठीक हो जाएगा. इट वॉज लाइक गुरु जी आप होल्डिंग माई हैंड्स. तो शुक्राना मालिक, संडे सुबह सब ठीक हुआ, दोबारा उसका चेक हुआ, डॉक्टर्स ने भेज दिया. उसकी एक रिपोर्ट स्टूल टेस्ट की रिपोर्ट 3 दिन बाद आनी थी, उन्होंने कहा वो बाद में आएगी तो देखते हैं. तो मन में कहीं था कि देखते हैं क्या होता है, वो भी गुरुजी की कृपा से परसों नॉर्मल आई है. तो अब यही हुआ है शायद इसको गैस्ट्रो या गैस्ट्रिक हो जाता है, हमेशा यही होता है. तो इस बार तो गुरुजी ने इसको सारे टेस्ट करा के सब रूल आउट करवा दिया. शुक्राना मालिक, लख लख तो भी लख शुक्राना दाता. अब कैसे उस टाइम संगत जी जब ये सब हो रहा था ना, तो ऐसे लग रहा था कि मैं कैसे संगतों के सुनती थी कि गुरु जी बिल्कुल एक मिडल ऑफ द स्टॉर्म में हमें ले जाते हैं
और फिर किसे खींच के लाते हैं। और गुरु जी ने यही किया, ऐसे खींच के अंदर एकदम ले गए, और 2 दिन में कैसे खींच के लाए, कहीं ना कहीं बहुत विश्वास था, बहुत स्ट्रांगनेस थी। और गुरु जी ने ये सारी इंडिकेशंस 1 महीने पहले ही देनी शुरू करी थी, बट हम लोग डॉट्स कनेक्ट नहीं कर पाते। एक संगत आंटी जी ने मुझे 1 महीना पहले बोला, और ये भी मुझे 20 तारीख को फरवरी को सैटरडे नाइट याद आया कि यार वो आंटी ने मुझे कहा था बेटी का सत्संग शेयर कर, वो डेट क्या थी। मैं वापस गई, स्क्रॉल किया व्हाट्सएप पे, देखा तो 20 जनवरी को आंटी ने मुझे कहा था कि आंटी गुरु जी विजन दे रहे हैं कि आपकी बेटी को सत्संग शेयर करो। मैंने कहा आंटी सत्संग शेयर करूँ, दिमाग में तो तब नहीं था क्योंकि सब नॉर्मल सा था, का गुरु जी सब तो ठीक कर रहे हैं, चलो शुक्राना मालिक। तो गुरु जी ने उससे भी अपनी सेवा ली, गुरु जी ने शिव पुराण इंग्लिश शिव पुराण में चाहती थी उसके लिए आए ताकि वो इंग्लिश में पढ़े एज अ स्टोरी। तो उसको स्कूल से होमवर्क होता कि डेली 10 मिनट्स रीड करना, तो गुरु जी की कृपा से गुरु जी उससे 10 इंग्लिश शिव पुराण आंटी ने सेवा करी है, वो आई तो वो पढ़ रहे हैं, गुरु जी उसको भी सेवा में डाल चुके थे, और हार्डली आई थिंक 2 वीक्स ही हुएंगे इस बात को। तो गुरु जी की प्लानिंग, गुरु जी के ब्लेसिंग्स तो पहले ही आना शुरू हो गई थी। संगत जी मैं ज्यादा सिडनी मंदिर भी नहीं जा पाती बिकॉज मेरे हस्बैंड कनेक्टेड नहीं है, तो थोड़ा और कोविड की वजह से भी पीछे बंद था। तो पता नहीं गुरु जी ने क्या मतलब कर रहे थे वो, पता क्या नहीं, इन द सेंस ऑफ कोर्स वो मुझे ब्लेस करने शुरू कर चुके थे जो मुझे नहीं पता चल रहा था कि अचानक से इतनी शॉवरिंग क्यों हो रही है मेरे ऊपर, इतनी कृपा बरस रही है मालिक की, कुछ तो है मालिक। वो नहीं समझ आ रहा था तब, अब समझ आता है। गुरु जी ने महीने में जनवरी में भी और फरवरी में भी दोनों में फर्स्ट फर्स्ट हफ्ते अपने पास बुलाया और लंगर प्रसाद करवाया। और कैसे मैं कभी नहीं जा पाती महीने में एक बार अभी तक, तो ये तो मेरे लिए भी बहुत बड़ी हैरानी की बात थी क्या हो रहा है। और हैरानी की बात सबसे बड़ी ये कि मेरे हस्बैंड ने मना नहीं किया, तो जब गुरुजी ने चाहा था, गुरुजी ने बच्चे को तारना था तो उसको तो वो तैयारी कर चुके थे, वो लंगर प्रसाद खाना शुरू हो गया था। इवन जिस वीक थर्सडे वो एडमिट हुआ, ट्यूजडे वो एक संगत आंटी फोन करती है कि साक्षी आप घर हो? मैंने कहा हाँ जी आंटी। कह रही मेरे को ना बेटा गुरुजी का प्रसाद है दे दूं? मैंने कहा हाँ आंटी बिल्कुल, ये तो बोलने की क्या बात है, गुरुजी आप पे आ रहे हैं। तो उस दिन भी इतनी खुशी कि गुरुजी अपने आप, और 2 दिन बाद ये सब हो रहा है। तो सारी चीजें मैं हॉस्पिटल में अकेले बैठे हुए रियलाइज कर रही थी कि गुरुजी आपसे रिश्ता बड़ा कोई काम नहीं आएगा, और आप ये सब कैसे मेरे साथ हमारे साथ कर देते हो। हम डॉट्स जोड़ते हैं तो समझ आता है कि आपने क्या किया, बट आपका शुक्राना करने, शुक्राना भी बहुत छोटा है मालिक। ऑल वी कैन डू इज लव यू लव यू लव यू संगत जी, बस एक यही जो अपने एक्सपीरियंस से सीखा और हम सबका यही है कि गुरु जी से सिर्फ प्यार करो, मंगो नहीं मनो। क्योंकि मैं मांग लेती थी मत कुछ करो तो वो क्या करते, उसको दोबारा पेन आता शायद, पर ये था कि नहीं गुरु जी बार बार नहीं, अब आपको जो ठीक लगता है आप करो। तो मालिक ने डोर थामी, मैंने छोड़ी, और बहुत बहुत हार्ड होता है एक 10 साल की माँ के लिए। मेरे को ये था कि अभी छोटा है, पर फिर एक थॉट ये भी गुरु जी ने डाला कि साक्षी 2.5 साल पहले भी तो आ रहा था ना, तब वो 8 साल का था, तब होता कुछ। तो गुरु जी अपने आप ही मेरे को स्ट्रॉन्ग करी जा रहे थे, उनको पता था कि क्या हो रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। तो मालिक आपका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, लव यू गुरु जी, लव यू सो मच, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, भूल चुक माफ संगत जी, एंड शुक्राना आंटी फॉर गिविंग दिस टाइम, शुक्राना मालिक, शुक्राना।